हर बच्चे अपने करते हैं प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण। पिछली क्लास में उन्होंने प्रतिबंधन एंजाइमों के बारे में पढ़ा था। प्रतिबंधन एंजाइमों को इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक। और अपनों ने ये पढ़ा था कि ये जो एंजाइम्स है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करते हैं, ठीक। और ये किसी विशिष्ट बिंदु पर डीएनए को कट करते हैं, ऐसा नहीं है रेंडमली कट कर दे, किसी विशिष्ट बिंदु पर डीएनए को कट करते हैं, ठीक है। और एक बात और मैंने आपको बताई थी कि कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम है, ठीक, सबसे पहले वह एक विशेष अनुक्रम की पहचान करता है। अगर वह विशेष अनुक्रम है, विशेष डीएनए अनुक्रम है, तो वह कट करेगा वरना नहीं करेगा। और अपने उस अनुक्रम को क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। पहचान अनुक्रम अब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है सबसे पहले एक विशेष डीएनए अनुक्रम की पहचान करेगा, ठीक, जिसको अपने कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और अगर उस एंजाइम के लिए वो पर्टिकुलर सीक्वेंस है तभी वह डीएनए को कट करेगा वरना नहीं करेगा, ठीक। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो अपने काम के हैं वो इस पहचान अनुक्रम के मध्य से थोड़ा हटकर डीएनए को कट करते हैं और असममित रूप से कट करते हैं, जिसके फलस्वरूप चिपचिपे सिरे बनते हैं, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं जो सममित रूप से कट करते हैं और ब्लंट एंड्स यानी कुंठित सिरे उत्पन्न होते हैं, ये अपनों ने देखा था। आज अपने करेंगे प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण। कि ये तो प्रतिबंधन एंजाइम है, जैसे कि इको आर्बन है, हाइंड सेकंड है, ये प्रतिबंधन एंजाइम है। इनका नाम कैसे पड़ा, ठीक है, वो अपने देखते हैं। देखिए प्रतिबंधन एंजाइम के नाम का पहला अक्षर प्रतिबंधन एंजाइम के नाम का पहला अक्षर उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के वंश के नाम का उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के वंश के नाम का पहला अक्षर होता है, जिससे कि पहला अक्षर होता होता है जिससे कि उस एंजाइम को प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार दूसरा व तीसरा अक्षर जाति से लिया जाता है, इसी प्रकार दूसरा व तीसरा अक्षर जाति से लिया जाता है। एक बात और, तो पहला अक्षर होगा ना वो कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक, जैसे अपन ये लिखते हैं, तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या ई है, ये कैपिटल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम का ये नाम है, ये कोई प्रतिबंधन एंजाइम है, ये क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम है, ठीक।
अब प्रतिबंधित एंजाइम के नाम का पहला अक्षर यानी इसकी बात करें अपनी कैपिटल ई की, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के वंश के नाम का पहला अक्षर होता है जिससे कि उस एंजाइम को प्राप्त करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो ई को आर वन जो प्रतिबंधन एंजाइम है ना, यह इस्टीरिया कोलाई से प्राप्त किया गया है। अभी किसे? इस्किरिशिया कोलाई से। किसे? इस्किरिशिया कोलाई से। ठीक, ई कोलाई में जो पहला अक्षर है वो देखिए ई है। ई का मतलब है जो भी कोशिका है, जो भी बैक्टीरिया है, ठीक, वह जिस वंश से संबंधित है उसका पहला अक्षर लेंगे। तो प्रतिबंधन एंजाइम के नाम का पहला अक्षर उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के वंश के नाम का पहला अक्षर होता है जिससे कि उस एंजाइम को प्राप्त करते हैं। अब ये को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और ये एंजाइम प्राप्त किया गया है एक्चुअल में इस्किरिया कोलाई से। अब देखिए ये जो आया है ना, ये कहाँ से आया है? ये जो पहला नाम है वो नाम किससे लिया जाएगा? वंश का पहला अक्षर। ई कहाँ से लिया गया है? वंश का पहला अक्षर। वंश क्या है? इस्किरिशिया है, तो ये ई आ गया। इसी प्रकार दूसरा व तीसरा अक्षर जाति से लिया जाता है, सी ओ। ये किसे लिए गए हैं? जाति से। जाति क्या है? कोलाई। कोलाई यानी सी ओ एल आई, तो ये दो ले लिए। ठीक, इस तरह बन गया इको। ठीक, अब आगे देखिए ये जो आर है ना, आर आगे, ये आर प्रभेद को रिप्रेजेंट करता है। किसको? प्रभेद को। ठीक, नाम के आगे जो रोमन अंक है, जैसे यहाँ पर ई को आर फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट है ये एक न, ठीक, फर्स्ट ये क्या है? रोमन अंक है फर्स्ट। तो नाम के आगे जो रोमन अंक है उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में एंजाइम की पहचान की जाती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे अपने देखें यह कोई बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस्किरिशिया कोलाई है। और यह कौन सा प्रभेद है? आर प्रभेद है। अब अपने को पता चला कि इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यानी किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की इसमें खोज होगी, तो उसको नाम क्या देंगे? वंश का पहला अक्षर कैपिटल ले लेंगे, ई ले लिया। फिर जाति के दो स्मॉल अक्षर सी ओ ले लिया। प्रभेद कौन सा है? आर। और पहला एंजाइम खोजा गया है, यानी अपने को जैसे आज ही पता चला है कि इसमें कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पहचान होगी पहले एंजाइम की, तो फर्स्ट। दो दिन बाद में पता चला कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और है, तो उसको क्या नाम देंगे? इको आर सेकेंड। इस तरीके से। और तीसरा और पता चल गया कुछ दिन बाद में, तो इको आर थर्ड। इस तरीके से ये होगा भी, ठीक, नामकरण। अब एक टेबल सी है वो भी बना देते हैं, यानी रोमन अंक का मतलब क्या हो गया? कि जिस क्रम में एंजाइम की पहचान की जाती है। ठीक, अब एक टेबल देखते हैं अपने।
टेबल की हेडिंग है डेरिवेशन ऑफ द इकोआर नेम। यानी जो ये जो नाम है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इकोआर फर्स्ट या इकोआर वन, यह नाम किस प्रकार आया? तो यहाँ पर तीन कॉलम बनेंगे भी, एक दो और तीन। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एब्रीविएशन, यानी संक्षिप्तीकरण, फिर मीनिंग और तीसरा डिस्क्रिप्शन। यानी विवरण हो गया। अब इकोआर वन में देखिए, सबसे पहले जो संक्षिप्तीकरण है वो किसका? ई का है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो अपनों ने संक्षिप्तीकरण किया है ना, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा है संक्षिप्तीकरण में? ई लिखा है। तो यहाँ पर लिखोगे ई, यानी यहाँ पर अब देखेंगे ई का क्या मतलब है। तो ई का मतलब है इस्किरिशिया, यानी जीनस का नाम है, ठीक है। ई का मतलब जो जीनस है ना उसके पहले नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है ई। तो देखिए ई का मतलब क्या हो गया? इस्किरिशिया। ये वंश का नाम है और इस वंश में पहला अक्षर क्या? ई है। तो यहाँ पर आ गया ई, ये रहा ई, ठीक। फिर अगले दो स्मॉल अक्षर किससे आए? अभी कोलाई से आए हैं, कोलाई जो स्मॉल अक्षर, और ये जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है कोलाई। तो यहाँ पर क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे? ये इसकी ऋषि क्या है? जीनस है। और ये क्या है? स्पीसीज है। तो अपने लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को कोलाई क्या है? स्पीसीज है। तो कोलाई में सीओ वाला ही है, तो यहाँ से दो वर्ड चक लिए सीओ, और ये आगे रहे सीओ। फिर आर, आर किस है? आर वाई तेरा, ये प्रभेद का पूरा नाम है, नहीं बी डी प्रभेद का पूरा नाम है आर वाई तेरा। अपनों ने यहाँ से क्या चका? आर चक लिया, तो ये आर आ गया। और ये क्या है? प्रभेद। प्रभेद के इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेन। क्या कहेंगे? स्ट्रेन। अगला क्या है? रोमन अंक है फर्स्ट, इसका मतलब है फर्स्ट आइडेंटिफाइड, फर्स्ट आइडेंटिफाइड, ठीक। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन बैक्टीरियम, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन बैक्टीरियम, ठीक। यानी इकोआर फर्स्ट का मतलब हो गया कि यह एंजाइम, ठीक है, सबसे पहले प्राप्त किया गया था किससे? ई कोलाई से, इस्किरिया कोलाई से। जैसे यह बैक्टीरिया मान लीजिए अपना इस्किरिया कोलाई या ई कोलाई, शॉर्ट में लिख देते हैं ई कोलाई, पूरा नाम हो जाएगा इस्किरिशिया कोलाई। तो आज अपने को पता चला कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। पहले अपने को पता नहीं था कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है भी, अब खोज होगी, पता चला कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो अब ई आ गया, सी ओ आ गया, प्रभेद है आर वाई तेरा, इससे आर ले लिया, और ये पहला एंजाइम है जो खोजा गया है, तो फर्स्ट आ गया। कल अपने को पता चलेगा कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो उसका नाम क्या होगा? इकोआर सेकंड। तो इस तरीके से ये हो गया अभी नोमेनक्लेचर। इसी प्रकार हाइंड सेकंड का नामकरण भी अपने देख सकते हैं, हाइंड सेकंड का।
हाइंड सेकंड का। हाइंड सेकंड में देखिए जो पहला अक्षर है एच है, एच से आया जीनस से, जीनस कौन सा है? हीमोफिलस। तो हीमोफिलस से क्या आ गया, यानी हीमोफिलस एक वंश है, जीनस है, और यहाँ से अपनों ने कैपिटल एच चक लिया और यहाँ पर लिख दिया एच। अगले दो स्मॉल अक्षर है आई एन, और ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, यानी इन्फ्लुएंजी। स्पीशीज कौन सी है? इन्फ्लुएंजी। ठीक है, ये हो गया, स्पीशीज होगी आई एन। ठीक है, आई एन शॉर्ट है, ठीक है, मतलब क्या इसका स्पीशीज है, और कौन सी? इन्फ्लुएंजी। डी आपको पता ही है स्ट्रेन, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेन को, प्रभेद को। और सेकंड है रोमन नंबर है। यानी इस एंजाइम से पहले भी हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजी डी स्ट्रेन, इसमें एक एंजाइम और खोजा गया है। जैसे ये मान लीजिए अपनी कौन सी सेल है, कौन सा बैक्टीरिया है, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेन कौन सा है? डी। तो जो एंजाइम इसमें सबसे पहले पता चला खोजा गया उसके लिए आएगा हाइंड फर्स्ट, जो बाद में खोजा गया पता चला गया एक और है तो वो हाइंड सेकंड। इस तरीके से ये रोमन नंबर है सेकंड। तो ये बना इनका नामकरण हो गया है अभी, बाकी करते हैं अपने कल।